अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम विजिट करेंगे ये 5 मरला घर बैरेटन लाहौर में। ये मौजूद है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पेनिश एलिवेशन में इसका फ्रंट डिज़ाइन किया गया। ये राइट साइड पे ये इसका टेरेस दिया गया, पिलर इसमें डिज़ाइन किए गए हैं, और इसके साथ टॉप पे आप देख सकते हैं ये इसकी ममटी का व्यू है। और ये लेफ्ट साइड पर ये क्रॉस विंडो दी गई है जो नीचे ड्राइंग रूम से ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम तक क्रॉस इसका एलिवेशन डिज़ाइन किया गया। और ये आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क हुआ है इसके फ्रंट एलिवेशन में, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसके गराज का व्यू है, ये इसके रैंप में गिराज में आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर में टाइल वर्क हुआ है यहाँ पे, ग्रे और ब्राउन कलर की कम्बिनेशन में। ये इसकी फ्रंट मेन वॉल डिजाइन की गई है, मोज़ेक वर्क हुआ है इसमें, मोल्डिंग वर्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। और इसके फ्रंट एलिवेशन में कम्प्लीट ये टाइल यूज की गई है। ये इसमें आउटर लॉन दिया गया, ग्रास यहाँ पे इंस्टॉल है, प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है कम्प्लीट। ये इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया ब्लैक और गोल्डन कलर में, इसे पेंट किया गया, आयरन मेटल में इसे तैयार किया गया। ये इसके गैराज का व्यू है, ये गैराज में आप देख सकते हैं आपकी एक बड़ी गाड़ी यहाँ इजीली पार्क हो सकती है। ये बिल्कुल सामने मेन डोर दिया गया, इसके साथ ये डोर दिया गया, ये अंदर से स्टेज के सामने आएगा, डबल यूनिट घर है ये, ऊपर वाला पोर्शन आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, खूबसूरत ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इंट्रेस के साथ राइट साइड पर इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है, प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल है, टाइल वर्क हुआ है। और आप देख सकते हैं इसके गैराज में कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है, ये मोज़ेक वर्क हुआ है, निश दी गई यहाँ पे, लाइट्स यूज की गई है इसमें, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। और ये लेफ्ट साइड पे भी कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है, और ये इंट्रेस के साथ लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है, 5 फिट गली दी गई है ये। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये क्रॉस विंडोज की डिजाइन की गई है फ्रंट एलिवेशन में, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, कम्प्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम की तरफ ओपन हो रही है, अंदर से ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम की तरफ ओपन हो रही है। ये इसका टेरेस डिजाइन है, और ये नीचे इसके गैराज का व्यू है। इस तरह इसके घर की फ्रंट साइड डिजाइन की गई है, फ्रंट एलिवेशन वाली साइड। ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है, ये बिल्कुल सामने मेन डोर है, ये ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे। ये इसके ड्राइंग रूम की फ्रंट वॉल डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं फ्रेम शेप में इसे डिजाइन किया गया, मिरर इसमें यूज किया गया, वुडन वर्क हुआ, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, फायर प्लेस दी गई है, वॉलपेपर इसमें यूज किया गया। ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल यूज की गई है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। और ये लेफ्ट साइड पे विंडो दी गई, अभी हम नई विंडो ये बाइक से विजिट की है, बाइक इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, मोल्डिंग वर्क हुआ है यहाँ पे, वॉलपेपर इसमें यूज किया गया। और ये बिल्कुल सामने इसके लिविंग एरिया का व्यू है, और ये आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट किया गया, यहाँ पे आप कर्टन यूज करके प्रॉपर इसे सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका व्यू है ड्राइंग रूम से लिविंग एरिया की तरफ, ये हम लिविंग एरिया में आगे हुए हैं। ये इसकी लिविंग एरिया की मीडिया वॉल डिजाइन की गई है, लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं वुडन वर्क हुआ है कंप्लीट वॉल में, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, खूबसूरत शेंडल यहाँ पे इंस्टॉल है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है, मोल्डिंग वर्क हुआ है यहाँ पे। और ये इसका मेन डोर है जो इसके गैराज की तरफ ओपन हो रहा है, हम इंटर हुए ड्राइंग रूम के डोर से। ये बिल्कुल सामने स्टेज दी गई, ये ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर देंगे, नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल यूज की गई है व्हाइट कलर में, बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। ये इस हॉल का व्यू है कंप्लीट। 5 मरला जो बहरिया टाउन में अभी आज के दिन तक जो घर मौजूद हैं, ये अच्छे घरों में शामिल होता है, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है, कलर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, फ्रंट एलिवेशन बड़ा अच्छा है इसका, और LD अप्रूव ब्लॉक में ये घर मौजूद है। ये बेडरूम दिया गया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, ये इसके बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई है, कोशिश किया गया इसे, मिरर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये मीडिया वॉल दी गई है, ये विंडो इसकी बैक 5 फिट गली की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए। ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, ये टाइल वर्क वाली बेड साइड वॉल के, ये कवर स्पेस दी गई यहाँ पे, और आप इस वॉल को बेड साइड वॉल यूज कर सकते हैं, यानी कि ये इसकी मेन वॉल, आप इस यहाँ पे भी अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह इस रूम को डिजाइन किया गया। ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये वैनिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक मिरर, शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है, कमोड कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, एग्जास्ट यहाँ पे इंस्टॉल है, ये विंडो इसकी बैक 5 फिट गली की तरफ ओपन हो रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है, कलर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का व्यू है अगेन, ये कवर स्पेस, ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये किचन स्पेस है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और ये वाइडर स्पेस दी गई है इसके किचन में, ये ग्रे कलर में इसमें कवर शीट यूज की गई है, बर्नर वुड यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है, ये सिंक दिया गया यहाँ पे, ये विंडो, ये डोर इसकी बैक 5 फिट गली की तरफ ओपन हो रहे हैं। नीचे ग्राउंड पे ये आप देख सकते हैं वुडन डिजाइन में कम्प्लीट टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये इसमें बैक पे 5 फिट गली दी गई है,
इसे प्रॉपर डेकोर किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क वाली लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे। ये इसके किचन का डोर है, ये बेडरूम की विंडो है जो अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी विजिट की है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम है और इसके साथ ये किचन की विंडो दी गई है। इस तरह यानी कि ये वेंटिलेशन के लिए इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन की गई। हम वापस आ गए इसके किचन में, ये इसके किचन का व्यू है अगेन। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में और ये स्टेयर्स के साथ ये पाउडर रूम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं सिंक है, एशियन सीट यहाँ पे इंस्टॉल है, टाइल वर्क हुआ है यहाँ पे। और घर में जो तमाम डोर है सॉलिड वुड में तैयार किए गए हैं। ये मेन डोर है इसका, ये इसका व्यू है लिविंग एरिया का अगेन। ये ग्राउंड फ्लोर हम कम्प्लीट विजिट कर चुके हैं, नीचे एक बेडरूम है, ये किचन स्पेस है, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है। ये ड्राइंग रूम एरिया, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये स्टील स्टेयर्स दी गई और स्टेयर स्टेप के साथ ये लाइट्स दी गई हैं। ये वॉल डिजाइन की गई है, मिरर इसमें यूज किया गया, वुडन वर्क हुआ है और ये आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क हुआ है यहाँ पे। वॉलपेपर यूज किया गया प्रॉपर, इसके हर वॉल को डेकोर किया गया इसका व्यू खूबसूरत बनाने के लिए। हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पर इसके लिविंग एरिया में, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट वॉल बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई है। ये मिरर यहाँ पे इंस्टॉल है, ये वुडन वर्क हुआ है, वॉलपेपर इसमें यूज किया गया, लाइट्स दी गई हैं। ये इसका सीलिंग डिजाइन, खूबसूरत शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है। और ये राइट साइड पे स्टेयर्स के साथ ऊपर आते हैं, ये बेडरूम दिया गया है इसके साथ, ये किचन स्पेस, ये लिविंग एरिया और ये फ्रंट साइड का बेडरूम है और ये टेरेस दिया गया है। इस तरह इसका फर्स्ट फ्लोर डिजाइन किया गया। पहले हम इसके राइट साइड विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सॉलिड जो है वुडन डोर इसमें यूज किए गए हैं पूरे घर में, तमाम बेडरूम में, किचन में। इस तरह ये विंडो दी गई है जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये इसमें बेडशीट वॉल डिजाइन की गई है, कोशिश किया गया इसे, मिरर इसमें यूज किया गया, लाइट्स दी गई हैं, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, वॉलपेपर यूज किया गया। ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, ये 2x4 की टाइल यूज की गई है। बेडशीट वॉल के सामने ये आप देख सकते हैं ये कबर्ड स्पेस, ये मीडिया वॉल डिजाइन की गई है यहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत ये वॉशरूम दिया गया है। ये 10 मरला घर में इस तरह वॉशरूम की स्पेस दी जाती है। ये वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर, कमोड, ये आप देख सकते हैं, बाथ टब इसमें यूज किया गया है, बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। और वाइडर मास्टर साइज में ये रूम दिया गया है। ये 10 मरला घर में ये रूम साइज होता है अमूमन। ये इसका सीलिंग डिजाइन, एग्जॉस्ट यहाँ पे इंस्टॉल है, ये विंडो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी, शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का व्यू अगेन, ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी किचन स्पेस को मैनेज किया गया। ये ग्रे कलर में कवर शीट यहाँ पे यूज की गई है, सिंक, बर्नर, हुड यहाँ पे इंस्टॉल है, कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, एग्जॉस्ट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये राइट साइड पे बेडरूम दिया गया, किचन स्पेस की हम विजिट कर चुके हैं, ये अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है। और लेफ्ट साइड पे ये फ्रंट साइड का बेडरूम दिया गया और फ्रंट साइड पे ये टेरेस है। इस तरह इसके फ्रंट साइड डिजाइन की गई है। ये इससे पहले आप देख सकते हैं ये मिरर इसमें यूज किया गया वॉल में, वुडन वर्क हुआ है यहाँ पे, लाइट्स दी गई हैं। ये इसके फ्रंट साइड के बेडरूम का व्यू है। ये इसकी बेड साइड वॉल डिजाइन की गई है, कोशिश किया गया इसे, मिरर इसमें यूज किया गया, वुडन वर्क हुआ है, लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे। ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, राउंड शेप में ये विंडो दी गई है और ये विंडो सामने से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये मोल्डिंग वर्क हुआ है वॉल पे, ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है। ये बेडशीट वॉल के सामने ये एलईडी यूनिट दिया गया, मीडिया वॉल दी गई है। ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसके वॉशरूम स्पेस को मैनेज किया गया। ये कवर स्पेस और कवर स्पेस के सामने ये ड्रेसिंग दिया गया। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये वैनिटी, ये राउंड इलेक्ट्रिक मिरर दिया गया यहाँ पे, ये सीलिंग डिजाइन, एग्जॉस्ट दिया गया, शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है, कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग में ये टाइल वर्क हुआ है यहाँ। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का व्यू अगेन, ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क, ये 2x4 की टाइल यूज की गई है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ ये टेरेस दिया गया, ये टेरेस हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है और प्रॉपर इसे डेकोर किया गया आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क के साथ। ये सिटिंग के लिए बेंच दिया गया यहाँ पे, ये विंडो दी गई है, अंदर से स्टेयर्स के सामने आएगी। ये ऊपर इसकी ममटी का व्यू है और ये इसका टेरेस डिजाइन है। आइडियल लोकेशन पे ये घर मौजूद है, बैरिया की मेन जो लोकेशन है वहाँ पे ये घर मौजूद है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर हम इसका विजिट कर चुके हैं।
ये स्टेज के साथ ऊपर आती है। राइट साइड पे ये बेडरूम है, इसके साथ किचन स्पेस, ये इसका लिविंग एरिया और फ्रंट साइड पे ये बेडरूम और ये टेरेस दिया गया। अभी हम इसकी छत और मल्टी विजिट कर लेते हैं। ये इसके बिल्कुल सामने इसकी छत का मेन डोर, ये इसकी ममटी का व्यू है, ये इसका सीलिंग डिजाइन और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर। ये सेपरेट रूम दिया गया सर्वेंट, ये विंडो दी गई यहाँ पे और ये वॉशरूम के लिए स्पेस दी गई है, वॉशरूम दिया गया, ये इसके वॉशरूम में विंडो दी गई है, ये सर्वेंट रूम स्पेस दी गई है। ये इसकी छत का व्यू है, छत पे आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पे मार्बल वर्क हुआ है और छत को जो है कम्प्लीट डेकोर किया गया। ये बर्नर दिया गया यहाँ पे बारबेक्यू के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्लांट इंस्टॉल होने वाले हैं और कमर्शियल मार्केट इसके निकट हुए बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कमर्शियल प्लाजा और इस गली के एंड पे ये पार्क दिया गया, बड़ा पार्क यहाँ पे मौजूद है और इसी पार्क में मस्जिद मौजूद है। यानी कि पार्क, मस्जिद और कमर्शियल मार्केट इस लोकेशन के बिल्कुल निकट हुए और बैरियर की इंटरेस्ट के साथ कनार रोड के करीब ये घर लोकेटेड है। LDA अप्रूव्ड ये ब्लॉक है, A+ इस घर की कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही खूबसूरत ये स्पेनिश एलिवेशन में इसे डिज़ाइन किया गया। 285 इस घर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें।